नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्डस्काई। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर रहे गौतम गंभीर ने मंगलवार को अचानक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अचानक संन्यास की घोषणा कर दी। उनकी इस घोषणा ने क्रिकेट प्रशंसकों को अपनी याद के पिटारे को रिवर्स करने के लिए मजबूर कर दिया कि गंभीर उनके दिमाग में कहां किस तरह रचे बसे हैं। ऐसे में गंभीर ने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की घोषणा करते हुए जारी वीडियो में उन्होंने 15 साल के क्रिकेटिंग करियर पर संतोष जताते हुए कहा कि पहले उन्हें लगता था कि कोई ऊपर बैठकर उनकी सफलता की कहानी लिख रहा है, लेकिन अब उनके पास स्याही खत्म हो गई है, इसलिए संन्यास लेने का वक्त आ गया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गौतम गंभीर और उनकी पत्नी नताशा जैन की लव स्टोरी के बारे में। गौतम गंभीर की शादी दिल्ली की ही रहने वाली नताशा जैन के साथ हुई है। दोनों ने 28 अक्टूबर 2011 में शादी की थी। नताशा जैन के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद ही खूबसूरत हैं और सभी क्रिकेट खिलाड़ियों की पत्नियों में सबसे खूबसूरत और शालीन हैं। दोनों ने लव कम अरेंज मैरिज की थी। गंभीर के पिता का टेक्सटाइल बिजनेस है, जबकि नताशा भी करोड़पति बिजनेस फैमिली से है। गंभीर एक संपन्न परिवार से हैं, वहीं उनकी पत्नी भी करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी हैं। दोनों ने अपना बचपन साथ बिताया है। शादी से पहले दोनों अच्छे दोस्त थे। नताशा और गौतम का परिवार एक दूसरे को कई सालों से जानता है। शादी से पहले नताशा भी दिल्ली में अपने परिवार के साथ ही रहती थी। गौतम गंभीर सोशल साइट्स पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी वाइफ नताशा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हैं। नताशा और गंभीर के पिता करीब 30 साल से बहुत खास दोस्त रहे हैं। दोनों के परिवारों के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे। इसी दौरान ये लव कपल एक दूसरे को दिल दे बैठे। करीब 2 साल तक इन दोनों के बीच में अफेयर रहा, इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। इनकी शादी गुड़गांव के एक फार्म हाउस में हुई थी। गंभीर की वाइफ नताशा एक बार बता चुकी हैं कि गंभीर का पहला प्यार आर्मी था और दूसरा क्रिकेट। जहां गंभीर को क्रिकेट से प्यार है, वहीं उनकी वाइफ को क्रिकेट से ज्यादा ज्वेलरी, कुकिंग, डायमंड और फैशन में इंटरेस्ट है। गौतम गंभीर काफी इंट्रोवर्ट थे, इसलिए उन्होंने काफी समय तक अपना रिलेशनशिप छिपा कर रखा। 2010 में दोनों ने एंगेजमेंट कर ली, लेकिन शादी के लिए उन्होंने ये शर्त रखी कि वो 2011 वर्ल्ड कप के बाद ही शादी करेंगे। किस्मत से इंडिया उस साल 2011 का वर्ल्ड कप जीत गई और गौतम गंभीर सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी बने। फिर 2011 में दोनों ने शादी कर ली। गौतम और नताशा ने अपनी वेडिंग को मीडिया से दूर रखा। शादी में फैमिली के करीबियों और क्रिकेटर्स को इन्वाइट किया गया था। शादी के 3 साल पहले इन दोनों की दोस्ती फैमिली के जरिए हुई थी। 2 साल के रिलेशनशिप के बाद गौतम नताशा की सगाई हुई और फिर 1 साल बाद दोनों ने शादी कर ली थी। गौतम और नताशा दो प्यारी लड़कियों के माता पिता हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।